हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर में जो स्ट्रोक होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो कि ज़्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रोक यहाँ पर मैंने 20 पॉइंट इसकी विड्थ है जो कि पहले से थी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सपोज़ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो अपीयरेंस पैनल में जाके, ये देखिए अपीयरेंस पैनल में जाके हम इस स्ट्रोक को शेप के नीचे भी लेके जा सकते हैं और उसके बाद इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये 40 रखा, तो ये जनरली हम नहीं कर सकते। अगर अपीयरेंस पैनल का यूज़ हम नहीं करेंगे तो ये स्ट्रोक को नीचे ऊपर हम नहीं लेके जा सकते। तो ये एक टिप है। इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस पैनल का यूज़ करके हम एक से ज़्यादा स्ट्रोक एक ही सेम शेप को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो स्ट्रोक है ये सेकंड स्ट्रोक अप्लाई हो गया सेम शेप को। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रोक विड्थ बढ़ाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही शेप को दो स्ट्रोक हमने अप्लाई कर दिए। तो उसके बाद हम इसको जो भी सपोज मुझे ये कलर चाहिए, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कीजिए और वो स्ट्रोक्स जो हैं उनको हम इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गॉजियन ब्लर मैं अप्लाई करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्ट्रोक्स भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को, और जो स्ट्रोक हैं उनको आप इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो जो कि जनरली आप नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट टिप आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद और एक यूज़फुल टिप है, जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे वापस एक शेप ड्रॉ किया, इसको मैं ब्लैक रख देता हूँ स्ट्रोक, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इसको छोटा किया तो जो शेप छोटा हुआ उसके साथ जो स्ट्रोक की विड्थ थी वो भी कम हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 हो गई, और जैसा मैं इसको बड़ा करता हूँ तो स्ट्रोक विड्थ भी बढ़ जाती है। तो ये अगर हमें चेंज करना है, मतलब स्ट्रोक विड्थ एज इट इज़ रखनी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कंट्रोल के प्रेस करता हूँ और ऑब्वियसली मैक में कमांड के, तो ये पैनल ओपन हो जाएगा प्रेफरेंसेस का। यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए स्केल स्ट्रोक्स एंड इफ़ेक्ट्स, तो इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो देखिए इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसको अगर मैं छोटा करूँ तो देखिए जो पहले थी विड्थ, वापस हम इसको 20 कर लेते हैं, ये देखिए 20, और इसको अगर मैं छोटा करूं तो चेंज नहीं होगी, 20 ही रहेगी, मतलब जितनी थी उतनी ही रहेगी विड्थ। लेकिन अगर मैं वो ऑप्शन वापस ऑन करूं, ये देखिए कंट्रोल के, तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये स्केल के साथ कम ज़्यादा होगी विड्थ, और ये अगर हम ऑफ करेंगे तो सेम रहेगी। तो ये भी एक यूज़फुल टिप है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और जो लास्ट टिप है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ कुछ शेप ड्रॉ किया, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट ड्रैग करके। अभी यहाँ पे इसको मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ, मुझे सपोज़ यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ये वाला इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये अच्छा लग रहा है, इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, ये वाला मुझे यहाँ पे वाइट पोर्शन चाहिए, वाइट स्पेस चाहिए बीच में, लेकिन वाइट बैकग्राउंड पे तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसको किसी और बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पूरा हमें स्ट्रोक दिखेगा। तो अगर ये ट्रिक हमें करनी है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपैंड करेंगे, ओके, और इसके बाद पाथ फाइंडर का यूज़ करेंगे हम। पाथ फाइंडर में जो डिवाइड ऑप्शन है उसका यूज़ करेंगे, डिवाइड, तो ये डिवाइड क्या करेगा, सारे शेप्स अलग करेगा। तो इसको अनग्रुप करके ये देखिए जो हमें नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए डिलीट सारे ऑप्शंस। तो अगर मैं इसको अभी बाहर लेके जाऊँ तो देखिए ये हमें यहाँ पे एम्प्टी स्पेस या वाइट स्पेस मिल गया। तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक ऑप्शन का, पाथ फाइंडर का यूज़ करके, ये देखिए
यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये कुछ टिप्स थी, प्रो टिप्स आप कह सकते हैं इलस्ट्रेटर में, जो कि आप यूज़ करके देख सकते हो अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता थी तो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।